शिवलिंग पे जल किस प्रकार से चढ़ाया जाए? अगर एक बूंद भी जल चढ़ाते हैं वह 108 लोटे के बराबर हो जाए। जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण और क्या रहस्य है? हम सभी महादेव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन का आधार ही महादेव हैं, अंत भी और शुरुआत भी, और महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। यही मनोकामना करके हम लोग नित नियम शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, परंतु ना जाने छोटी सी भूल सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। जहाँ पर हमें पुण्य मिलना चाहिए पाप मिलता है। जानते हैं इसका क्या कारण और क्या रहस्य है? जब हम शिवालय पे जाते हैं और शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो छोटी सी भूल हो जाती है। जानते हैं महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश भगवान को वरदान दिया था कि सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी, परंतु जब हम शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो कई लोग, कई माताएं बहनें शीतला माता से आरंभ करती हैं, कई लोग शिवलिंग से ही आरंभ कर देते हैं, कई लोग ब्रह्मा जी से आरंभ कर देते हैं, परंतु यह सब गलत है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले उनके पूरे परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। सर्वप्रथम गणेश भगवान को प्रसन्न करें, गणेश भगवान को जल अर्पित करें। गणेश भगवान को जल अर्पित करने के बाद शीतला माता पे जल अर्पित करें, क्योंकि जो शीतला माता है वही तो शीतल करती है। उसके बाद माता पार्वती पे जल अर्पित करें, उसके बाद ब्रह्मा जी पे, और फिर नंदी। अब आप लोग पूछ रहे होंगे नंदी पे क्यों? क्योंकि नंदी जी महादेव जी के प्रिय हैं, और जो प्रिय होता है अगर आप उसे खुश कर देंगे तो महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो नंदी देव को जल अर्पित करें, तत्पश्चात महादेव जी को जल अर्पित करेंगे। ऐसे साधना करने से आपकी पूजा संपन्न होगी। जो हो गया सो हो गया, परंतु आज नया सवेरा है। आप जब भी शिवलिंग पे जल अर्पित करें सर्वप्रथम गणेश भगवान से आरंभ करें और महादेव जी से अंत, तो आपका कार्य संपूर्ण होगा। इस विधि विधान से महादेव जी को जल अर्पित करेंगे तो चाहे आप छोटा सा कार्य क्यों ना करें वह 100 गुना बढ़ जाएगा। धन दिन दुगना, रात चौगुना, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का भी वास होगा। जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई है तो महादेव जी से माफी मांग लीजिए। महादेव जी आपकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। इनका दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। ये बहुत भोले हैं, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप मन से 56 भोग भी लगाएंगे तब भी प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। अगर इच्छा ना हो तो 56 भोग भी व्यर्थ है। एक लोटा जल, मन में प्रसन्नता, मन खुश रहना चाहिए। एक लोटा जल अर्पित करें, सारे बिगड़े कार्य आपके बन जाएंगे।